ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्यैश्वरं परमानन्दमाधवम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवत्सह सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपानये कृष्णाय ज्ञानमुद्राय गीतामृताय दुहे नमः। हरे कृष्ण। तो दोबारा मैं प्रेमपुरी ट्रस्ट के सारे व्यवस्थापकों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहां पर इस दो दिन के गीता कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। विशेष रूप से मालिनी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही दयावान होकर मेरा परिचय कराया। जैसे मैंने कल कहा, सब सच तो नहीं है, लेकिन जो भी बोल रही है बता रही है मुझे क्या बनना चाहिए। और उन्होंने आज संक्षिप्त में कल के सत्र में हमने क्या चर्चा की थी इसको भी यहां पर बतलाया है। कल के चर्चा सत्र में हमने भगवद गीता की भूमिका को समझा था और आज के सायंकालीन सत्र में मेरा प्रयोजन है कि हम भगवद गीता के समस्त 18 अध्यायों को संक्षिप्त में समझे। कर पाएंगे कि नहीं ये तो देखते हैं जैसे समय आगे बढ़ता है, किंतु प्रयोजन और हेतु तो है कि आज के संध्याकालीन सत्र में संपूर्ण 18 अध्याय संक्षिप्त में समझने का हम प्रयास करते हैं। प्रथम अध्याय का शीर्षक है अर्जुन विषाद योग, और इस अध्याय का प्रारंभ होता है जहां महाराज धृतराष्ट्र अपने राज सिंहासन पर हस्तिनापुर में विराजमान है और अपने मंत्री संजय से, जो उनके चरण स्थलों में बैठे हुए हैं, उनसे प्रश्न करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम् अकूर्वत संजय। हे संजय, बतलाओ, कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब कौरव और पांडव एकत्रित हुए तो दोनों ने क्या किया? श्रील प्रभुपाद जी अपने गीता दर्शन में समझाते हैं कि ये प्रश्न सही प्रश्न नहीं है। यदि किसी के सामने एक भोजन की थाली रख दीजिए, भूखा हारा व्यक्ति है, भोजन की थाली सामने रख दी और किसी से पूछिए कि भूखे हारे व्यक्ति के सामने भोजन थाली की थाली रखी गई, उसने क्या किया? किम अकूर्वत संजय, अरे क्या किया, भूखा व्यक्ति है, भोजन की थाली सामने पड़ी है तो भोजन खा लिया। कौरव और पांडव दोनों युद्ध भूमि पर एकत्रित हुए हैं युद्ध करने हेतु, और धृतराष्ट्र महाराज संजय से प्रश्न कर रहे हैं, अरे क्या किया, क्या किया, युद्ध करने हेतु आया है तो युद्ध ही करेंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस प्रश्न के पीछे बड़ा गूढ़ मतितार्थ है। संजय वहां पर बैठे हैं और व्यास कृपा से, अपने गुरु की कृपा से दूरदर्शन कर पा रहे हैं। हस्तिनापुर
में बैठे हैं, कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है, उनका मन एक टेलीविजन स्क्रीन के समान है और हस्तिनापुर में जो चल रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट प्रक्षेपण संजय के टेलीविजन रूपक स्क्रीन पर हो रहा है और संजय इस प्रश्न का उत्तर धृतराष्ट्र महाराज को अवश्य देंगे। पांडव कौरव कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर युद्ध हेतु से एकत्रित हुए हैं, इसका इतिहास तो हम सब जानते ही हैं। भगवान श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते। क्यों भगवान युद्ध चाहेंगे? अरे कोई भी इस संसार का शांतिप्रिय व्यक्ति भी युद्ध नहीं चाहता, तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण युद्ध क्यों चाहेंगे? भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आते हैं शांति दूत बनकर, शांति का प्रस्ताव लेकर आते हैं धृतराष्ट्र दुर्योधन इत्यादि सारे कौरवों को शांति का प्रस्ताव समर्पित करते हैं, लेकिन दुर्योधन और धृतराष्ट्र मानने के लिए तैयार नहीं। दुर्योधन मानता नहीं क्योंकि दुस्संग का प्रभाव है और धृतराष्ट्र मानता नहीं क्योंकि आसक्ति का प्रभाव है। जब भी व्यक्ति के जीवन में दुस्संग या आसक्ति हो, जो सदाचार रूपी उपदेश किया जाए ना, ये उपदेश मानना बड़ा कठिन हो जाता है। कई बार क्या सही है और क्या गलत है ये हम भली भांति जानते हैं, किंतु सही बात अपने मन में जचती नहीं क्योंकि दुस्संग का प्रभाव होता है। दुर्योधन को कर्ण शल्य शकुनी इत्यादियों का दुस्संग है और इसीलिए भगवान आते हैं शांति प्रस्ताव रखते हैं, किंतु दुस्संग में ये प्रस्ताव हृदय को जचता नहीं। और इसीलिए यहां आप सब भाई बहन देवी सज्जन आते हैं सत्संग में। यदि यहां का सत्संग सुनकर दोबारा आप जब घर लौटते हैं तो दुस्संगति को आप स्वीकार करें, तो ये जो सत्संग में बात बोली गई है समझ में तो आती है, लेकिन इसके हिसाब से जीना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए मराठी में एक कहावत है, कहते पन वरत नहीं। समझ में तो आ जाता है लेकिन उसके हिसाब से जीना बहुत कठिन होता है। वर्षा ऋतु में जब स्वाति नक्षत्र आता है, अलग अलग नक्षत्र होते हैं, हस्ति नक्षत्र अश्व नक्षत्र स्वाति नक्षत्र। वर्षा ऋतु में जब स्वाति नक्षत्र आता है तो स्वाति नक्षत्र से गिरने वाली वर्षा की प्रत्येक बूंद में मोती बनने की क्षमता है। प्रत्येक बूंद एक मोती में परिवर्तित हो सकती है, किंतु क्या यह बूंद मोती बनेगी या नहीं बनेगी यह निर्भर करता है कि स्वाति नक्षत्र की इस वर्षा की बूंद को किसका संग प्राप्त हो। यदि स्वाति नक्षत्र से आने वाली वर्षा की यह बूंद तपते हुए लोहे पर पड़ जाए ना तो बाष्पित हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी। कल कई लोग मेरे पास आए और कहने लगे आपकी हिंदी समझ में नहीं आती जी, तो आज थोड़े अंग्रेजी शब्द भी बताता रहूंगा बीच में, क्योंकि मुझे संस्कृत हिंदी बोलने की बड़ी आदत है, बंबई या हिंदी मुझे जचती नहीं। तो कई बार लोग कहते हैं ये शब्द जो आप बोलते हैं ना थोड़ा अंग्रेजी और हमारी हिंदी में भी समझाइए। वही बूंद जब लोहे के एक सलाख पर, तपती हुई लोहे के सलाख पर पड़ जाए, इवेपोरेट हो जाती है, बाष्पित हो जाती है, वही वर्षा ऋतु की एक बूंद स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि कमल के पत्ते पर पड़ जाए ना तो मोती की तरह चमकती जरूर है लेकिन मोती बनती नहीं। वायु का एक झोंका, हवा का एक झोंका और ये बूंद उड़ जाएगी। वही बूंद यदि समंदर के सीपे के संग में आ जाए और एक सीपे में बंद हो जाए, वही बूंद मोती में परिवर्तित हो जाती है। हम सब स्वाति नक्षत्र के उस वर्षा के बूंद के समान हैं। उस बूंद का क्या होगा निर्भर करता है हमारी संगति क्या है। तपता हुआ लोहा दुस्संग है, जैसे दुर्योधन का संग, कर्ण शकुनी का संग है दुस्संग है। जो भी भगवत भक्ति की प्रेरणा है, जो भी सदगति की प्रेरणा है, बाष्पित हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी। यदि हमारा सत्संग
आता है किसी तथाकथित आध्यात्मिक व्यक्ति से, कोई एक तथाकथित काल्पनिक आध्यात्मिक व्यक्ति की तुलना की गई है एक कमल के पत्ते से, ऐसे लगता है अरे मैं भी अध्यात्म का अवलंब कर चुका हूं, मेरे भी जीवन में परिवर्तन आ गया है। अरे बूंद तो मोती के जैसे चमकती है, मोती बनती नहीं। लेकिन सीपा सच्चा सत्संग है। सीपे की तुलना की जाती है एक सच्चे सत्संग से। ऐसे सच्चे संतों के संग में जब हम आते हैं तो उसी वर्षा ऋतु के बूंद का परिवर्तन होता है एक मोती के रूप में। और इसीलिए यहां पर प्रत्येक उपस्थित श्रोता से निवेदन है कि अपने संग को भली भांति समझ लीजिए। अंग्रेजी में कहते यू टेल मी हुम यू एसोसिएट विथ एंड आई शैल टेल यू हु यू आर। आप बताइए आपकी संगति क्या है और मैं बताता हूं आप कौन है। दुर्योधन जानता है सही क्या है गलत क्या है, किंतु दुस्संग का प्रभाव है। कृष्ण शांति प्रस्ताव कर रहे हैं लेकिन दुस्संग के प्रभाव से यह बात जचती नहीं। भगवान कहते हैं अरे राज सिंहासन मत दो, पूरे पृथ्वी का साम्राज्य मत दो, पांच गांव दे दो पांडवों को। और दुर्योधन कहता है पांच गांव तो दूर, सुई की नोक पर आने वाली जमीन तक मैं नहीं दूंगा। अरे क्या बिगड़ता है तेरा, दे दो। लेकिन नहीं, दुस्संग का प्रभाव है, सत्संग वाली बात जचती नहीं। एक बार एक व्यक्ति मल विसर्जित करने गया। शहर में मल विसर्जित के लिए तो पैखाना होता है, गांव में यूं नहीं होता। गांव में तो लोग सत्संग में मल विसर्जित करते हैं, कई बार बैठते हैं एक दूसरे दो अलग अलग दिशाओं में देखते हैं और वार्तालाप चलता रहता है, कैसे हो, कल क्या खाया था, पेट में दर्द हो रहा है, ये भी बातचीत चलती रहती है, गांव की तो ये बात है। एक बार एक व्यक्ति मल विसर्जित करने गया और उठने के बाद अपने ही मल का दर्शन किया। दर्शन एक गलत शब्द है वास्तव में, लेकिन अपने ही मल का परदृष्टिपात किया। अपने मल को देखते हुए इस व्यक्ति ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए, हाय कितने गंदे हो तुम, छी छी छी, कितने बिभत्स और कितने गंदे हो तुम, मुझ जैसे ऐसे अच्छे व्यक्ति से इतना बुरा प्रभाव। मल ने पुनः उत्तर दिया। मल ने उस व्यक्ति से कहा अरे कल तक मैं एक बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट गरम समोसा था, तुम्हारे दुस्संग से देखो मेरी क्या हालत हो गई है। उसी प्रकार से अपने जीवन में यदि सत्संग मिले ना तो हम मलिन कभी नहीं होंगे, यदि दुस्संग आ जाए तो अच्छे समोसे का भी मल बन जाता है, हम भी मलिन हो जाते हैं। कर्ण शकुनी के संग से दुर्योधन मलिन हो गया, इस प्रकार की मलिन चेतना हो गई कि कृष्ण का शांति प्रस्ताव हृदय को जचता न था। और रही बात धृतराष्ट्र की, अंधा राजा, आंख से अंधा और हृदय से अंधा। शास्त्र बतलाते चार प्रकार के अंध होते हैं, नैवं पश्यति जन्मांध कामांध नैव पश्यति मदोन्मत्त न पश्यन्ति अर्थि दोषं न पश्यति। नैवं पश्यति जन्मांध, जो जन्म से अंध है वो तो देखता नहीं। धृतराष्ट्र जन्मांध तो है ही है, जन्म से अंधा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। कामांध नैव पश्यति, कामांध काम वासना से, लोभ से जो व्यक्ति लालायित है, प्रभावित है, उसकी भी दृष्टि चली जाती है। इन आंखों से, मांस के बने आंखों से तो देख पाता है, किंतु भीतर की दृष्टि अगोचर हो जाती है, देख नहीं पाता। नैवं पश्यति जन्मांध, जन्म से अंधा व्यक्ति तो कुछ नहीं देखता। कामांध, जो काम से अंधा हुआ है, इन आंखों से दिखता तो है लेकिन भीतर की दृष्टि नहीं है। मदोन्मत्त न पश्यति, अहंकार से भी व्यक्ति अंधा हो जाता है, मद से अंधा हो जाता है। इतने महान महान लोग हैं लेकिन महत्ता दूसरों की दिखती ही नहीं, क्योंकि स्वयं को ही महान समझता है, दूसरों की महत्ता क्या दिखेगी, अंधा है एक नंबर का। अर्थी दोषम न पश्यति, और जब व्यक्ति केवल अर्थ चाहता है, पैसा चाहता है, तो क्या सही है क्या गलत है दिखता नहीं, कुछ भी करेगा बस पैसा चाहिए,
पाप करेगा, बस पैसा चाहिए। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ऐसे इस अर्थी दोषी को, अंधे व्यक्ति को दिखाई ही नहीं पड़ता। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा तो है ही है, लेकिन धृतराष्ट्र महाराज साथ साथ में भीतर से भी अंधे हैं। राज सिंहासन पर बैठने की मनोकामना है, कनिष्ठ भ्राता पांडु राजा बने, हालांकि ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई थे, लेकिन राज सिंहासन पर बैठ नहीं पाए क्योंकि काम जन्मांध थे, लेकिन मन में अभिलाषा थी, मनोकामना थी कि राजा तो बनना है, राज सिंहासन पर तो बैठना है। पांडु की हत्या हुई, बैठ गए और उठ ही नहीं पाए, फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, चिपक के बैठ गए, इस प्रकार के षड्यंत्र रचे, ये जोड़ तो छूटा नहीं, कई प्रयास किए गए इस जोड़ को छोड़ने के लिए, लेकिन छूटा नहीं। उस राज सिंहासन पे आसक्ति थी, इस प्रसार से आसक्त थे, अंग्रेजी में अटैचमेंट कहते हैं, इस प्रकार से आसक्त थे कि जब भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं, उस आसक्त धृतराष्ट्र के हृदय के भीतर ये प्रस्ताव घुसता ही नहीं। क्यों? आसक्ति है। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र पानी पर तन रहा है दीवाने। जानते हैं ना सच्चाई क्या है, फिर अनजाने क्यों बनते हो? जानते हैं सच्चाई क्या है? जान कर भी अनजाने बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र पानी पर तन रहा है दीवाने। इस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू खुदा को भूला है फंस के इस झमेले में। आज तक जो तो देखा है, पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है। आज समझ ले कल फिर मौका हाथ न तेरे आएगा, ओ गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा। जान कर भी अनजाने बनते हो, इस संसार की सच्चाई नहीं जानते क्या? इस संसार की असलियत को नहीं जानते क्या कि सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा पीछे, फिर क्यों अनजाने की तरह व्यवहार करते हैं हम? आसक्त है, इस प्रकार की आसक्ति है, छूटती नहीं। अरे जानते हैं गलत है, लेकिन ये गलती भाती है ना हृदय को, ये गलती बड़ी भाती है, बहुत अच्छी लगती है। जानते हैं सही नहीं, लेकिन इतना अच्छा लगता है कि छोड़ ही नहीं पाते। देखिए धृतराष्ट्र महाराज की बात, जानते हैं गलत है, किंतु आसक्ति की वजह से सदुपदेश हृदय को जचता ही नहीं। हम तो जानते हैं बंदर को कैसे पकड़ते हैं, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण भारत, दक्षिण अफ्रीका में पानी बहुत कठिन है रेगिस्तान में मिलना, शिकारी जानता है। मैंने इसका वीडियो देखा है, चलचित्र देखा है, यदि आप देखना चाहे तो देखिए, अपने जीवन की कथा को समझ लेंगे भली बात ही। ये शिकारी पानी चाहता है, पानी नहीं रेगिस्तान में, जानता है कि पशु इत्यादि जानते होंगे पानी कहां मिलेगा। एक मटका रखता है, मटके में कुछ चने रख देता है और बंदर के सामने रखता है। बंदर पीछे से देख रहा है, पहले देखता है कई बंदर है, और आके बंदर के सामने मटका रख देता है, मटके में चने रख देता है, तो बंदर कुछ समय तक बस देखता रहता है और शिकारी पीछे जाके छिप जाता है और बंदर देखता रहता है। आकांक्षा बढ़ जाती है, आकांक्षा बढ़ जाती है, देखना चाहिए, जिज्ञासा बढ़ जाती है, क्या है भीतर, जाकर देखना चाहिए। कुछ समय तक रुकता है, फिर चला जाता है उस मटके के पास, शिकारी पीछे से देख रहा है, आता है मटके के सामने, अपना हाथ डाल देता है मटके में और हाथ में चने लग जाते हैं, मुट्ठी बंद जाती है। मटके का जो गला है इस प्रकार से बना है कि हाथ खुला हो तो भीतर जाएगा, अगर मुट्ठी बन जाए तो बाहर नहीं आएगा। मुट्ठी बन जाती है, हाथ बाहर निकाल ही नहीं पाता। अरे पागल बंदर, चने छोड़ दे, हाथ मुक्त हो जाएगा, भाग जा, नहीं तो शिकारी आएगा पकड़ लेगा। हम सब उस बंदर के समान है, आप नहीं, मैं तो उस बंदर के समान हूं। माया ने मेरे सामने एक मटका रखा है, ये मटका है संसार है, बहुत बड़ा मटका है,
और इस मिटके के भीतर बहुत सारे चने रखे हैं। कभी कभी ये चने पारिवारिक सदस्यों का रूप ले लेते हैं, कभी कभी ये चने एक आईफोन यू फोन का स्वरूप ले लेते हैं, कभी कभी ये चने ब्लैकबेरी गूसबेरी ग्रीनबेरी ब्लूबेरी का स्वरूप ले लेते हैं, कभी कभी ये चने मर्सिडीज एस्टन मार्टिन रोल्स रॉयस जैगुआर ऑडी का स्वरूप ले लेते हैं, कभी कभी ये चने मलबार हिल में घर का स्वरूप ले लेते हैं। और हम तो हाथ डाल के बैठे हैं और काल आता है शिकारी हमको पकड़ने के लिए। छोड़ दो, छोड़ दो, उस चीज को मत छोड़ो, उस चीज की आसक्ति को छोड़ो, परिवार को मत छोड़ो, धन को मत छोड़ो, गाड़ी को मत छोड़ो, घर गृहस्थी को मत छोड़ो, उसकी आसक्ति को छोड़ो। अगर उस आसक्ति को नहीं छोड़ेंगे ना तो ये काल रूपी जो शिकारी है पकड़ लेगा। अंग्रेजी में कहते हैं लेट गो एंड लिव फ्री, अनलेस वी लेट गो वी कैन नॉट लिव फ्री। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक भगवान को जोड़ेंगे नहीं। हमको छोड़ना है, वस्तु को नहीं छोड़ना, अपनी आसक्ति को छोड़ना है। ये बंदर छोड़ नहीं पा रहा, इस चने को छोड़ नहीं पा रहा। मैंने इसका चलचित्र देखा है, शिकारी आता है बंदर को पकड़ लेता है और बंदर कै 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 चिल्ला, अरे छोड़ दे बेटा हाथ छोड़ दे, क्यों कै कै कर रहा है, छूट जाएगा, कै कै चिल्लाता रहता है। शिकारी आता है बंदर को पकड़ लेता है, मटका फोड़ देता है, मटका टूटा, हाथ खाली चने छूटे, और चने रख देता है सामने, बांध के रख देता है और चने सामने। बंदर यूं चने खा रहा है, खा रहा है, मैंने देखा है, चने खा लेता है पूरा। और जब चना खा लेता है तो शिकारी जानता है इतने चने खाए अब प्यास लगेगी, बांधे रखता है, एक घंटे दो घंटे तीन घंटे बांध के रखता है, इतनी प्यास लगती है, फिर छोड़ देता है। जैसे ही छोड़ दिया बंदर भागता है, यूं भागता है, बस अपनी तृषा की पूर्ति करनी है, प्यास को बुझाना है, भागता है जहां पानी का जल का सरोवर हो। और शिकारी उसका पीछा करता है, पता लगता है रेगिस्तान में पानी कहां है बंदर को पकड़ के। धृतराष्ट्र महाराज के भी हाथ बैठे हैं इस मटके में। चना क्या है, राज सिंहासन, छूटता ही नहीं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव समझ में नहीं आता। कब सत्संग की बात समझ में नहीं आएगी, दो परिस्थितियों में, यदि दुस्संग हो समझ में आएगी, जी नहीं पाएंगे, यदि आसक्ति हो समझ में आएगी, जी नहीं पाएंगे उसके हिसाब से। एक बार एक शराबी थे, बहुत बहुत ज्यादा पीते थे, शराबी तो पीते ही रहते हैं। एक बार एक व्यक्ति शराबी पूरा शराब में मस्त होकर, बंबई की भाषा में टुन कहते हैं, पूरा टुन होकर चल रहा था रात के 1 बजे, और पुलिस आया, कहां जा रहे हो, बोला प्रवचन सुनने। बोले वाह, पूरे शराब की नशा में मस्त होकर रात के 1 बजे प्रवचन सुनने, प्रवचन का विषय क्या है। बोले शराब की त्रुटियां, शराब से होने वाली तकलीफ कष्ट। बोले वाह क्या बात है, प्रवचन करता कौन है। बोला घर में मेरी पत्नी, रात के 1 बजे कौन प्रवचन देगा इस विषय पर है। एक बार एक व्यक्ति शराब में बहुत बड़े, बहुत ही शराब में ग्रस्त थे, शराबी थे। पत्नी ने बहुत सारे प्रयास किए थे शराब छुड़ाने के, छूटी नहीं शराब। एक बार प्रातःकाल में पत्नी उठी और अखबार में देखा, बहुत अच्छा लेख आया था, शराब क्यों छोड़नी चाहिए, एक पन्ने का लेख। पति के उठने से पूर्व ही वो लेख पति के बगल में रख दिया। जब पति जग गया तो पहला देखा क्या, शराब क्यों छोड़नी चाहिए, पूरा लेख पढ़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। पत्नी आई, कहने लगी जिसने भी ये लेख लिखा है ना उसको 1000 रुपये दूंगी। पति ने कहा मुझे दे दो, अगले 2 हफ्ते की शराब की व्यवस्था हो जाएगी। अरे अभी तो आपने कहा छोड़ दिया, छोड़ दिया। हां जी मैंने छोड़ दिया, अखबार पढ़ना,
क्योंकि अखबार में कई बार ऐसे लेख आते हैं ना कि आपको शराब क्यों छोड़ना चाहिए, और इसीलिए सही बात तो जानते हैं लेकिन जब आसक्ति होती है ना जी नहीं पाते। धृतराष्ट्र, दुर्योधन शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते, और यहां प्रथम श्लोक में गीता के प्रथम अध्याय में कौरव पांडव युद्ध करने के लिए तैयार है, क्योंकि शांति दूत बनकर कृष्ण गए, शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। युद्ध की भूमिका प्रारंभ हो चुकी है, सब शंख बजा रहे हैं, शंख बजाते हुए घोषित कर रहे हैं सबको कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है। कौरव अपने शंख बजाते हैं, यहां पांडव भी अपने शंख बजाते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपना पांचजन्य बजाते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्म महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। और जब अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं, जब कौरव शंख बजाते हैं, पांडवों को तनिक भी भय नहीं होता। जब पांडव शंख बजाते हैं, संजय कहते हैं सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानी व्यदारयत, उनके हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है। क्यों? अरे शंख ही तो बज रहे हैं, शंख ध्वनि ही तो हो रही है, डरने की क्या बात है, भय की क्या बात है। एक बार की बात है, हम अपने एक मित्र के साथ पुणे से मुंबई गाड़ी में आ रहे थे, और जब गाड़ी से आ रहे थे तो एक हमारे मुंबई के मामा पुलिस जी ने जोर से सीटी बजाई, हमने सिग्नल विग्नल कुछ तोड़ा नहीं था, और मेरे जो मित्र थे बैठे हुए बगल में, मैं नहीं रुकूंगा, मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे कोई डर नहीं किसी का। मैंने कहा डर नहीं, लेकिन ये बंबई की पुलिस है, रुक जाओ देखते हैं क्या बोलते हैं। और आ गए पुलिस जी, मामा जी आ गए, और जो मामा जी बगल में आ गए तो मेरे जो मित्र था उसने खिड़की खोली और कहने लगा, मैंने कोई सिग्नल तोड़ा नहीं, मैंने कोई गलती की नहीं, मैं आपसे डरता नहीं, क्यों आपने सीटी बजाई। तो पुलिस ने कहा, अरे हमने कब कहा आपने सिग्नल तोड़ा है, अरे आप तो हरे कृष्ण वाले प्रसाद चाहते थे इसलिए सीटी बजाई, सब लोग गाली देते हैं आप प्रसाद दीजिए इसलिए सीटी बजाई। अरे जब कोई नियम नहीं तोड़ता ना तो भाई किस चीज का, जब पुलिस की सीटी सुनाई दे यदि आपने नियम नहीं तोड़ा तो भाई किस चीज का, लेकिन यदि आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है ना, जब वो सीटी बजती है तो कुछ कुछ होता है, हृदय के भीतर भय उत्पन्न होता है, अब आएगा पकड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा। भय का एक ही कारण है, गलत काम करना। यदि आप सच्चा काम करे, सही काम करे, धर्म के अनुसार अपना जीवन बिताए तो भयभीत क्यों होते हो, बोलने दो जिसको बोलना है, जो करने दो जिसको जो करना है, आप क्यों डरते हो। पांडव तो डरे नहीं, क्यों डरेंगे पांडव, जब अपना जीवन धर्म के अनुसार जिए हैं, धर्म के अनुसार जीवन को बिताया है तो डरने की क्या बात है। लेकिन कौरव जब सीटी सुनते हैं पुलिस वालों की, कृष्ण तो पुलिस इंस्पेक्टर है, सीबीआई इंस्पेक्टर, यूं सीटी बनाते हैं पांचजन्यम ऋषिकेशो, जब वो सीटी सुनते हैं ना तो सारे कौरव डर जाते हैं। क्यों? गलत काम किया है ना। भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, धर्म का आचरण कीजिए, सच्चे मार्ग पर चलिए, सतमार्ग पर चलिए। जब धर्म का आचरण कीजिएगा, सतमार्ग पर चलिएगा तो क्या डरना, तो क्या डरना। जब सही काम किया तो डरना क्या, जब यदि आप सही काम कीजिएगा तो डरना क्या। तब चाहे लोगों को जो कहना है कहने दीजिए, तब जब भगवद गीता के शब्द सुनाई पड़ेंगे ना डर नहीं लगेगा। गलत काम किया हो ना, वही गीता के शब्द सुनेंगे ना, हृदय में भय लगने लगेगा। शंख बज गए, युद्ध घोषित हो गया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, मैं देखना चाहता हूं यहां पर कौन कौन आया है मेरे साथ युद्ध करने के लिए, ले जाइए। अब देखना क्या है भाई, देखना क्या है, क्रिकेट मैच घोषित हो गई, शुरू हो गई, सचिन तेंदुलकर कहते हैं मैं देखना चाहता हूं विरोधी पक्ष में कौन कौन आए, उसके बाद बल्ला पकड़ूंगा। अरे क्या बात है, इधर वानखेड़े स्टेडियम में मैच शुरू हो गई, मैच डिक्लेयर हो गई, अब कहते हो देखने दो कौन कौन आया है पाकिस्तान से मेरे विरुद्ध खेलने के लिए।
अब देखने का समय नहीं है, बल्ला उठाने का समय है, खेलने का समय है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर क्रिकेट मैच चल रहा है, कौरव सेना पाकिस्तान है, पांडव सेना भारत है, भारत और पाकिस्तान के पीछे एक बीच में क्रिकेट की मैच चल रही है और मैच फिक्सिंग पहले से हो चुकी है। कृष्ण ने तो पहले ही मैच फिक्सिंग कर दी है। क्यों? जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन, जिस पक्ष में जनार्दन है वहां तो जीत अवश्य होगी। और भारत में लड़ने वाले सचिन तेंदुलकर कौन? अर्जुन। बल्ला उठाने के लिए तैयार नहीं। बल्ला उठाने के लिए कृष्ण कह रहे हैं बल्ला उठाओ, खेलो, मारो, पराजित करो, ये सारे जो आपके विरोधी पक्ष वाले हैं मारो उनको। नहीं नहीं, देखना चाहता हूं। यावद एते निरेक्षेहम योद्धुकामान अवस्थितान, योद्धुकामान कौन कौन आए हैं, यावद आतान निरेक्षेहम, निरीक्षण करना चाहता हूं कौन कौन आया है मेरे साथ युद्ध करने के लिए। अरे बेटा, अब देखने का समय नहीं, कार्य करने का समय है। किंतु यदि कार्य करता तो गीता नहीं आती, तो भगवान की व्यवस्था है। अर्जुन का मोह ये भगवान की व्यवस्था है ताकि हम सबको भगवद गीता प्राप्त हो। अर्जुन जाता है, देखता है, और कृष्ण भी बड़े चालू व्यक्ति है। अर्जुन के युद्ध करने की इच्छा को बंद करने के लिए वो चालू है। कई बार चालू व्यक्ति अपनी इच्छा को बंद कर देता है। भगवान श्री कृष्ण रथ को ले आते हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वे चाम च महिक्षिताम उवाच पर्श पश्चैतान समवेतान कुरुनीति। भीष्म और द्रोण के सामने लेकर आते, अरे दुर्योधन के सामने लाते तो अर्जुन विचार करता मारना चाहिए। लेते लेकर आते हैं सामने, किसके सामने? दादाजी, पितामह, और किसके सामने? गुरुजी, द्रोणाचार्य। भीष्म द्रोण के सामने रथ को ले आते हैं और अर्जुन भ्रमित होता है, करूं कि नहीं करूं, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। ये अर्जुन की मनस्थिति है, मारूं कि छोड़ूं, लड़ूं कि क्षमा करूं। अपने समस्त सगे संबंधियों को देखकर, विशेष रूप से भीष्म और द्रोण को देखकर अर्जुन के मन में अनुकंपा की भावना उठती है। अर्जुन का गांडीव अपने हाथ से गिरने लगता है। गांडीवम सम सस्ते हस्तात् त्वचैव परिदह्यते, त्वचा जलने लगती है, मुंह शुष्क हो जाता है, सूख जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। अर्जुन प्रभावित हो जाता है। भीष्म द्रोण और अपने सारे सगे संबंधियों के दृश्य को देखकर अर्जुन प्रभावित हो जाता है, कारण देने लगता है कि हे कृष्ण, मैं तो नहीं लड़ूंगा। क्यों बेटा, क्यों नहीं लड़ोगे? करुणा की भावना है कृष्ण। अरे ये दुर्योधन इत्यादि कपटी लोग हैं, लेकिन बाकी सैनिक तो बेचारे निर्दोष हैं। क्या केवल मेरे राजगद्दी पर बैठने के लिए इन निर्दोष व्यक्तियों की हत्या होनी चाहिए है प्रभु? नहीं, करुणा की इस भावना से प्रभावित, मैं नहीं लड़ूंगा। और क्या, हे प्रभु आप मुझे लड़ने के लिए कहते हैं, लड़ूंगा, मेरे सारे रिश्तेदार सगे संबंधी मर जाएंगे, क्या इस सिंहासन को मैं चाटूंगा? सिंहासन को क्या चाटना है? अरे जिनके साथ इस राजगद्दी का उपभोग करना है, यदि ये सारे व्यक्ति मर जाएं तो क्या उपभोग मिलेगा? भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, इस शिक्षा को समझ लीजिए। वस्तुओं से आनंद नहीं आता, संबंध से आनंद आता है। वस्तुओं में आनंद नहीं है, व्यक्ति के साथ उस वस्तु में आनंद है। अर्जुन कहता है राजगद्दी मिलेगी, धन संपत्ति मिलेगी, सारा सारे पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा, यदि वो व्यक्ति जिनके लिए मैं युद्ध कर रहा हूं वो सब मर जाएंगे, यमलोक चले जाएंगे, मृत्युलोक चले जाएंगे, क्या उपभोग कर पाऊंगा मैं? अंग्रेजी में कहावत है, बहुत अच्छी लगती है मुझे, थिंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड एंड पीपल आर मेंट टू बी लव्ड।
The problem today is people are used and things are loved. मनुष्यों से, मानव से प्रेम करना चाहिए, वस्तु का प्रयोग करना चाहिए. अपने जीवन में हम वस्तु का, वस्तु से प्रेम करते हैं और मानव का अपने काम के लिए प्रयोग करते हैं. पहले तो अर्जुन के करुणा की भावना है, निर्दोष सैनिकों को क्यों मारूं. दूसरा उपभोग की भावना है, सब मर जाएंगे किसके साथ उपभोग करूंगा. तीसरा पाप का भय है. कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात सारे पांडव केवल 36 वर्ष तक राज्य किए, बस 36 वर्ष का राज्य और जन्म जन्मांतर तक नरक में जाऊं मैं, निर्दोष सैनिकों को मारकर जन्म जन्मांतर तक नरक की यातना भुगतूं. केवल 36 साल के लिए पल भर की मजा, जन्म जन्मांतर की सजा. आज का इस कलयुग ऐसा है, लोग समझते ही नहीं. क्षण भंगुर क्षणिक सुख के पीछे भागते रहते हैं, पाप करते हैं, देखते नहीं कि दूर की दृष्टि से मुझे नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी. अर्जुन का यह भय है, यदि मैं इस निर्दोष सैनिकों को मारूं पाप लग जाएगा, नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी. कृष्ण, क्षमा कीजिए, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा हे प्रभु. अर्जुन विषाद करने लगता है, शोक करने लगता है, ये मैं भीष्म को द्रोण को नहीं मारूंगा, ये मेरे सगे संबंधी है, मेरे प्रिय है, रिश्तेदार है, इनको कैसे मारूं, पाप लगेगा, निर्दोष सैनिकों को कैसे मारूं, करुणा की भूमिका नष्ट हो जाएगी, उपभोग नहीं होगा, नहीं कर सकता मैं युद्ध. सच्चाई को देख नहीं पा रहा अर्जुन. गीता के प्रथम अध्याय में एक बार की बात है, एक दंपति थे, पति पत्नी. रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले पति अपने घर में आके बैठता था डाइनिंग टेबल पर, और जब अल्पाहार करता था, ब्रेकफास्ट, अभी अंग्रेजी भी आज बोल रहा हूं मैं थोड़ा थोड़ा, जब एक ब्रेकफास्ट करता था, तब जो ब्रेकफास्ट के सामने डाइनिंग टेबल के सामने जो दीवार बनी थी, कांच की दीवार बनी थी, बाहर देखता था पड़ोसी के बगीचे में, और पड़ोसी के बगीचे में पड़ोसियों के कपड़े सूखते थे. तो जब ये व्यक्ति ब्रेकफास्ट करता था, अपना अल्पाहार करता था, देखता था वहां पर, और वो हर रोज अपनी पत्नी को कहता था, ये हमारे पड़ोसी निठल्ले निकम्मे आलसी कही के, देखो किस प्रकार से अपने कपड़ों को साफ धोते नहीं, देखो कैसे काले काले कपड़े, रोज देखता हूं कपड़े काले होते हैं. और एक दिन सुबह उठा, जब अल्पाहार ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब बाहर देखा, अरे आज कुछ तो समझ आई इनको, देखो कैसे चमक रहे हैं कपड़े, आज सुधर गए हमारे पड़ोसी. पत्नी ने कहा, अजी सुनते हो, वो नहीं सुधर गए, आज मैंने अपनी कांच की दीवार साफ की है. कांच की दीवार पर जब गंदगी लगती है, गंदी कांच से देखो तो सफेद कपड़ा भी काला दिखता है. अरे कपड़ा काला नहीं, कांच काली है, प्रकाश तो सफेद है. लाल रंग का चश्मा लगाइए, लाल दिखेगा, हरा रंग का चश्मा लगाइए, हरा दिखेगा. प्रकाश तो न तो हरा है और न लाल है. अर्जुन के आंख पर एक चश्मा है और इसीलिए सच्चाई को भली भांति देख नहीं पा रहा. क्या चश्मा है? चश्मा है अपने पारिवारिक आसक्ति का. मेरे दादाजी, अरे बचपन से मेरी मां तो चली गई, गंगा मां तो छोड़ के चली गई, शंतनु जी का देहांत हो गया, सत्यवती तो मेरी सौतेली मां थी, एक ही तो थे मेरे दादाजी, पितामह भीष्म, वही तो थे जिन्होंने मुझे पाला बड़ा, शिक्षा दी, और आज ये कृष्ण कहता है उनको मारूं, कैसे युद्ध करूंगा मैं. ये आसक्ति का चश्मा पहन रखा है तो केवल दादाजी दिखते हैं, सच्चाई तो दिखती नहीं. अरे गुरु जी को मारूं, द्रोणाचार्य, इस प्रकार की शिक्षा दी, मैं उनका प्रिय विद्यार्थी था. बेटा तूने चश्मा पहन रखा है, अपने पारिवारिक आसक्ति का चश्मा पहन रखा है, तुझे सच्चाई नहीं दिखाई देगी. गीता का प्रयोजन क्या है? चश्मा उतारना. भगवद गीता का प्रयोजन है अपने सर पे चढ़ा हुआ चश्मा, अपने सर पे चढ़ी हुई ऐनक उतारना. और
सीधी आंखों से जैसा प्रकाश है वैसा देखना, इसलिए प्रभुपाद जी ने गीता को शीर्षक दिया भगवत गीता यथारूप, एज इट इज, जैसा है वैसा देखिए, चश्मा मत लगाइए। यहां पर जो चश्मा पहनते हैं वो सब डर गए, क्या कृष्ण हमारे चश्मा उतारने आए हैं? जी नहीं, आपके सर पे रहने वाली ऐनक से तो आपको बाकी सब तो दिखाई पड़ेगा, भीतर का चश्मा उतारिए। नव वर्ष आ रहा है, आज 31 दिसंबर 2011 का समापन है, कल प्रातः काल से 12 बजे से 2012 प्रारंभ होगा, है ना? आप सबको नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये शुभकामना क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। अर्जुन संकल्प करके आया था, दृढ़ता पूर्वक युद्ध करना चाहता था, लेकिन पारिवारिक सदस्यों को देखकर आसक्ति की वजह से उसका संकल्प डगमगाने लगा, उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा, कहने लगा मैं युद्ध नहीं कर सकता। आप सब भी आज कुछ संकल्प करेंगे, आप सब भी अर्जुन की तरह आज 2012 के लिए संकल्प करेंगे। अंग्रेजी में इसको कहते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन। अर्जुन का रेजोल्यूशन था कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर मैं सारी सेना को चपट करके मार के धर्म की प्रस्थापना करने में भगवान श्री कृष्ण की सहायता करूंगा। हम सब भी संकल्प करते हैं, मैं अपनी ये बुरी आदत छोड़ दूंगा, मैंने तो संकल्प किया है कि रोज प्रातः काल में मैं 5 बजे उठूंगा, उठूंगी, और एक दिन दो दिन तक संकल्प चलता है कि नहीं? आप सब तो को भली बाती पता है, जानते हैं आप लोग भली बाती किस प्रकार से हमारे संकल्प 1, 2, 3 दिन तक चलते रहते हैं, और तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद जी कहते थे रेजोल्यूशन 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 डिसोल्यूशन 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 एंड फाइनली नो सोल्यूशन। ये हमारे नव वर्ष का रेजोल्यूशन है, ये हमारे संकल्प है। अर्जुन संकल्प करके आया था कि मैं युद्ध करके कौरवों को पराजित करूंगा, किंतु आसक्ति, पारिवारिक आसक्ति की वजह से उसका संकल्प डगमगाने लगा, और अपने संकल्प का परित्याग करते हुए अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक उसी प्रकार से भाइयों और बहनों, आज की रात्रि पर आप सब संकल्प करेंगे, किंतु मेरी गारंटी है, नहीं तो पूरा पैसा वापस। गारंटी के साथ मैं कहता हूं, 2 दिन 1 सप्ताह 2 सप्ताह के पश्चात जैसे अर्जुन की आसक्ति की वजह से उसका संकल्प वो पूरा नहीं कर पाया, उसी प्रकार से अपनी आसक्ति की वजह से, अपनी आदतों की वजह से हम अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाएंगे, गारंटी है मेरी। और आप कहते हैं आपको गारंटी देने की आवश्यकता नहीं जी, हमको साक्षात्कार है इस बात का, पिछले कई वर्षों से हम ये कर रहे हैं और इसका भली भांति आत्म साक्षात्कार है हमारे पास कि हम इस संकल्प के अनुसार अपना जीवन नहीं जी पाएंगे। आसक्ति है, बुरी आदतें हैं, छूटती नहीं, क्या करेंगे? अंग्रेजी में कहते हैं हैबिट इज स्पेल्ड एज HABIT, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, छूटती ही नहीं आदत, बिकॉज वेन यू टेक द एच आउट ऑफ इट अ बिट स्टिल रिमेन्स, वेन यू टेक द ए आउट ऑफ इट बिट स्टिल रिमेन्स, देन यू टेक द बी आउट ऑफ इट इट स्टिल रिमेन्स। अरे जाती ही नहीं, क्या संकल्प करेंगे, आदतें जाती ही नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं हैबिट्स आर लाइक सॉफ्ट कोजी बेड्स, वेरी इजी टू गेट इन टू, वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इफ इट इज द बॉम्बे विंटर लाइक नाउ। आजकल तो ठंड है थोड़ी, रात में जब अपने मुलायम गद्दे पे रजाई लेके सो जाते हैं, वेरी इजी टू गेट इन टू, ऐसी आदत है, बड़ी सरलता से घुस जाते हैं रजाई लेके बुरी आदत में, वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ। उठिए ना जी, अलार्म बज रहा है जी, स्नूज है ना, स्नूज। इस आदत से बाहर निकलना तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है जी। ये आसक्ति, कंडीशनिंग, बुरी आदतें, अपने संकल्पों से हमको, अपने संकल्प के अनुसार हमको जीने नहीं देंगी। अर्जुन का संकल्प था, निश्चित किया मैं युद्ध नहीं करूंगा। प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक, विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस, अपने धनुष्य बाण को
अर्जुन नीचे रख देता है, अपने सर को यूं हाथ में पकड़कर निराश होकर बैठता है। भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, गीता का प्रयोजन है, प्रथम प्रयोजन, आपकी आंखों पर, आंतरिक आंखों पर लगे हुए चश्मे को उतारना। गीता का दूसरा प्रयोजन है, जब आप संकल्प में निष्फल हो जाते हैं, जिस प्रकार से अर्जुन निष्फल हो रहा है, अपने पारिवारिक आसक्ति की वजह से अपने संकल्प को त्याग रहा है। भाइयों और बहनों, आज 2011 के 31 दिसंबर पर जो आप संकल्प बना रहे हैं, ये आप निश्चित रूप से त्यागेंगे, क्योंकि आपकी भी नाना प्रकार की आसक्तियां हैं। गीता का प्रयोजन है आपके संकल्प को बनाए रखना, और जब आप अपने संकल्प में सफल नहीं होंगे, आप भी अर्जुन की तरह अपने अस्त्र शस्त्र डालकर बैठ जाएंगे, नहीं होगा मुझसे, मैं युद्ध नहीं कर सकता, तब भगवान श्री कृष्ण गीता बोलना प्रारंभ करते हैं। यहां पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है, अर्जुन विषाद योग, 6:30 बज चुके हैं। मैं तो जितना होगा कहूंगा, और फिर बाकी फास्ट फॉरवर्ड मोड में 18 तो बता ही दूंगा आपको, चिंता नहीं कीजिएगा। दूसरा अध्याय गीता का प्रारंभ होता है। दूसरे अध्याय का प्रारंभ कैसे होता है? तम तथा कृपया विष्टम अश्रु पूर्ण कुले क्षणम विशीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। प्रारंभ होता है दूसरे अध्याय का, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण, आंखें आंसुओं से भरी हुई है। अरे रोते हो कि नहीं? कहने के लिए गाना है, बस हंसता हुआ रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, कहने के लिए बात है, कोई हंसता हुआ जाता नहीं, कोई मुकद्दर का सिकंदर बनता नहीं। रोते रहते, मेरा शरीर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी कार, मेरा घर छूट जाएगा, कौन गया है हंसते हुए? सब कहते हैं रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकंदर का सिकंदर कहलाएगा, कौन गया है हंसते हुए? जीवन का प्रारंभ अश्रुपूर्ण है और जीवन का अंत अश्रुपूर्ण है। गीता का प्रयोजन है, प्रारंभ तो हुआ है रोते हुए, जाना है गीता सिखाइए कैसे हंसते हुए जाओगे। 8वें अध्याय पे यदि मैं पहुंचू तो बतलाऊंगा कैसे हंसते हुए जा सकते हैं हम।